तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पूर्ण विरोध करते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली हिंसा मामले में चार्जशीट में आज हुए कई अहम खुलासे। जय श्री राम का नारा नहीं लगाने पर दिल्ली हिंसा में मुसलमानों का किया गया था कत्लेआम। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त ये सबसे अहम और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि चार्जशीट में बताया गया है कि दंगा फैलाने और मुसलमानों की हत्या करने, आगजनी, बदला लेने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप में 125 लोगों को शामिल किया गया था। यह व्हाट्सएप ग्रुप कट्टर हिंदू एकता नाम से बनाया गया था। यह ग्रुप 25 और 26 फरवरी हुई हिंसा के एक दिन पहले यानी 24 फरवरी को बनाया गया था, जिसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर ने कहा था कि मैं गंगा बिहार का रहने वाला हूं, अगर कोई दिक्कत आए, लोग कंपने तो मुझे बताना, मैं पूरी फौज लेकर आ जाऊंगा, मेरे पास गोली बंदूक सब कुछ है। वहीं आगे उसने बताया कि 24 से 25 26 फरवरी को दंगे के दौरान जौहरीपुर नाले के पास से जो लोग गुजर रहे थे उन्हें ये व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े लोग उनका नाम पूछ रहे थे और फिर उनसे जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए बोल रहे थे। जिस व्यक्ति ने जय श्री राम का नारा नहीं बोला या जय श्री राम के नारे का विरोध किया उसकी तुरंत इन लोगों ने हत्या कर दी और उनके सबको नाले में बहा दिया गया। ऐसे 9 लोगों की इन लोगों ने हत्या की जिन्होंने जय श्री राम के नारे का विरोध किया। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि चार्जशीट में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दिल्ली हिंसा में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कटकटुमा कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की है। वहीं आपको बता दें कि इन सभी हिंदू लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश भी दे दिया। तो ये काफी बड़े खुलासे हुए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रियंका गांधी ने अहमद पटेल को लेकर फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा चीन और कोरोना संकट के बीच अहमद पटेल में व्यस्त है मोदी सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेसी नेता अहमद पटेल से ईडी की लंबी पूछताछ को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से 2 ट्वीट किए। इसमें उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में जब हजारों लोग मर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, देश की अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है, चीन हमारी सीमा में घुस रहा है, सेना के जवान मारे जा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार वरिष्ठ नेता अहमद पटेल को परेशान करने में व्यस्त है। ये मोदी सरकार की काफी बड़ी नाकामी है और चीन से निपटने और कोरोना महामारी से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार लगातार कांग्रेस नेता अहमद पटेल को परेशान कर रही है। तो ये काफी बड़े हमले आज जो है बोले गए हैं प्रियंका गांधी की तरफ से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख दौरे से पाकिस्तान में हलचल। इमरान खान ने बुलाई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक। जहां दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख में चीन के कारण पैदा हुए तनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद LAC का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के बाद पाकिस्तान में भी हलचल देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के तुरंत बाद पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि इमरान खान द्वारा बुलाई गई इस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज खटक, चेयरमैन ज्वाइंट स्टाफ जनरल नदीम रजा, पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ के साथ ISI के DG भी मौजूद रहेंगे। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आई कि किस तरह से चीन को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार पीछे हट रही है। लेकिन उधर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद पाकिस्तान सरकार ने अपनी मजबूती को और बढ़ाने की कोशिश में एक राष्ट्रीय बैठक बुलाई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो चीन मुद्दे को लेकर संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा आप नेता बनने के लायक नहीं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि LAC पर भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के दौरान आज फिर से संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। संबित पात्रा ने ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी आपको शर्म आनी चाहिए, आप झूठ और बेबुनियाद खबरें फैलाने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करना सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए LAC का दौरा कर रहे हैं। आप एक नेता बनने के लायक नहीं है, आप धिक्कार हैं, आप कमजोर हैं। तो ये काफी बड़ा हमला आज जो है BJP की तरफ से राहुल गांधी पर बोला गया है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो लद्दाख में जवानों के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों नहीं लिया दुश्मन चीन का नाम पी चिदंबरम का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हिंसक झड़प करने और प्रधानमंत्री मोदी के LAC दौरे के दौरान संबोधन में चीन का एक बार भी नाम नहीं लिए जाने को लेकर एक बार फिर से पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पी चिदंबरम ने कहा
कि एक सप्ताह में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी बार आक्रमणकारी चीन का नाम आखिरकार क्यों नहीं लिया? आखिरकार क्यों चीन से प्रधानमंत्री मोदी डरते हैं? आगे पी चित्रम ने चुप्पी पर भी प्रधानमंत्री मोदी के सवाल उठाए और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक एक बार भी नहीं बताया कि भारतीय और चीन सैनिकों के बीच संघर्ष कहां हुआ और क्या चीन ने भारत के क्षेत्र में घुसपैठ की है या नहीं। तो ये काफी बड़े हमले आज बोले गए हैं प्रधानमंत्री मोदी पर पी चिदम्बरम की तरफ से। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो लॉकडाउन में क्या क्या काम किया बीजेपी, आज सौंपेगी प्रधानमंत्री मोदी को रिपोर्ट कार्ड। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि बीजेपी की राज्य इकाई शनिवार आज शाम 4:30 बजे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान किए गए सार्वजनिक सेवा कार्यों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। सेवा ही संगठन के नाम के इस कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र की मोदी सरकार द्वारा घोषित अलग अलग पहल योजनाओं के कार्य का जायजा लेना होगा। वहीं आपको बता दें कि आज बीजेपी के राज्य इकाई बताएंगी कि लॉकडाउन में उन्होंने कितनी लोगों की सेवा की और कितना लोगों को लाभ पहुंचाया और किस योजना के तहत कितना कितना लाभ लोगों को पहुंचाया। तो आज प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी की राज्य इकाइयां एक रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो विकास दुबे जिसने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा वो निकला बीजेपी का एजेंट। या दोस्तों आपको बता दें काफी बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही कि कानपुर मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों की मौत के जिम्मेदार कुख्यात अपराधी विकास दुबे के लिए बड़ा खुलासा हुआ है। विकास दुबे की योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो है, वहीं बीजेपी के कई मंत्रियों के साथ भी विकास दुबे की फोटो है, जिसके बाद बीजेपी की पोल खुल गई है कि बीजेपी का सत्ता संरक्षित ये कुख्यात आरोपी है जिसने आज 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया और ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है। तो ये काफी बड़ा खुलासा आज विकास दुबे को लेकर हुआ है। वहीं आपको बता दें कि विकास दुबे पर 50,000 का इनाम भी उत्तर प्रदेश सरकार ने रख दिया है। जो व्यक्ति भी इसका पता देगा उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो शत्रु संपत्ति को धोखाधड़ी से जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने वाला प्रशासनिक अधिकारी गिरफ्तार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जेल में बंद सांसद आजम खान की यूनिवर्सिटी के लिए जमीन के फर्जी कागजात तैयार करने वाले सिया सेंट्रल बोर्ड नखलऊ के तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी सैयद गुलाम सैयद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अधिकारी पर शत्रु संपत्ति को धोखाधड़ी से आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का आरोप है। वहीं आपको बता दें कि सैयद गुलाम के खिलाफ पिछले साल रामपुर के अजीम नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। उनके खिलाफ धारा 420, 467, 409, 201 और 120 के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं आपको बता दें कि 1984 के तहत मुकदमा पंजीकृत है। इसी मामले में सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम पिछले 4 महीनों से सीतापुर जेल में बंद है। तो ये काफी बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है यूपी की। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मध्य प्रदेश के लिए कोरोना वायरस से बड़ी परेशानी थे कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान का हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस से ज्यादा बड़ा संकट पूर्व सीएम कमलनाथ थे। मध्य प्रदेश में अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उन्होंने एक आयोजित कार्यक्रम में ये कहा। चौहान ने कहा कि हमारे 100 दिन समाधान के हैं, पहले प्रदेश इस संकट से निपटने की कोई व्यवस्था नहीं थी। कमलनाथ तो कोरोना से बड़े संकट थे, वही हमारी सरकार ने इस पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया। और उन्होंने कहा कि क्या किसी को लगता है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार इस कोरोना संकट से लड़ सकती थी या नहीं। तो ये काफी बड़े हमले बोले गए। भैया आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने अपने 15 माह के कार्यकाल में जनता के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं के घर भी तोड़े, उन्होंने बेवजह लोगों को जेल में भेजा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कोरोना संकट का असर, रेलवे ने सेफ्टी को छोड़ कैंसिल की सभी भर्तियां। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी का असर अब रेलवे की भर्तियों पर भी पड़ने लगा है। भारतीय रेलवे ने सेफ्टी को छोड़कर सभी नए पदों के लिए आवेदन रद्द कर दिए। अगले आदेश तक फिलहाल रेलवे में कोई नई भर्ती नहीं होगी। वहीं मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पिछले 2 साल में खाली पदों के लिए भर्ती की समीक्षा की जाएगी। सेफ्टी कैटेगरी को छोड़कर 50% पदों के लिए वैकेंसी नहीं निकाली जाएंगी। वहीं देश में निजी क्षेत्र द्वारा यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन अप्रैल 2023 से शुरू हो सकता है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो नीट, सोनिया गांधी ने राज्य में ओबीसी के लिए आरक्षण मामले में प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के माध्यम से भरे जा रहे
भारत अखिल भारतीय कोटा के तहत ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में आग्रह किया गया है कि अखिल भारतीय कोटा के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल शिक्षण संस्थानों में ओबीसी उम्मीदवारों को आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए। पत्र में कहा गया है कि राज्य चिकित्सा संस्थानों में ऑल इंडिया कोटे में आरक्षण का निषेध भारत सरकार द्वारा प्रशासित 93 संशोधन के तहत का उल्लंघन करता है, इसीलिए मेडिकल शिक्षा पहुँचाने में बाधा हो रही है और इसी को लेकर 50% आरक्षण मोदी सरकार बढ़ाए ओबीसी के लिए। तो ये काफी बड़ी मांग की है। तौर पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है और खासतौर से हम तमाम सियासी पार्टियों के अराकीन को इस बात का